कंट्रोल। सर आगामी अभी 21 तारीख से 12वीं के एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसे में जो बोर्ड एग्जाम के बच्चों में जो डर होता है, तो उनके लिए आप किस तरह से उनको मार्गदर्शन करोगे? बोर्ड की जो एग्जाम है जो 12वीं की होने वाली है, और जो डरने की तो कोई बात नहीं, अगर हम पहले से अगर प्लानिंग करें पढ़ाई का, अगर नियोजन अगर प्लानिंग करें तो कुछ हो नहीं सकता, यानी बराबर सब एग्जाम आराम से होगी। लेकिन इधर डरते क्यों बच्चे की, इधर माँ बाप का दबाव रहता कि भी अरे ऐसी होना चाहिए वैसी होना चाहिए वैसी, उनके लगातार उनके पीछे पड़े रहते। तो उन्होंने डरने के अगर पहले से अगर प्लानिंग किया है और जो भी सब्जेक्ट समझ के लिया है, हम क्या घोट डालते घोटने से नहीं, अगर एक आधा कंसेप्ट है कोई भी साइंस का अगर समझ लिया है तो प्रॉपर वे में अगर हमारे माइंड में अगर फिट हो गया है तो हम बराबर उसको लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ने इसी तरीके से अगर पढ़ाई की, अरे कोई भी सब्जेक्ट को समझ लेना चाहिए, अगर समझ लिया तो उनको फिर उनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आजकल बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रही है, सबको लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए, ये सारा पूरा दबाव आता है। और जो भी शिक्षण के पैटर्न जो चल रहा है एजुकेशन का, तो भी समझ लेना नहीं, वो घुटने का जो प्रक्रिया है मक करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, इसीलिए मेमोरी में है बच्चे, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन उसको सही तरीके से अगर बच्चों को तैयार किया, सही अगर ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली दे दिया, और जो भी टीचर होंगे कोचिंग क्लासेस के होंगे या कॉलेजेस के होंगे, और बच्चों को सही सब्जेक्ट अगर समझा के दिया है तो उनको कोई दिक्कत, डरने की बात ही नहीं ना, क्यों डरना क्यों, क्या होगा? और सभी के लगता है कि सभी एक ही रैंक में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना, कम जाता तो रहेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ में करेगा वो नंबर एक पे रहेगा, जो कम मेहनत करेगा दूसरे पे रहेगा, ऐसा रहता। तो हर एक तरीके से अगर ईमानदारी के साथ में हम अगर मेहनत करते हैं तो डरने की बात नहीं, क्यों डरना? और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते साल भर छोड़ जाते, बाद में एग्जाम आ जाती, अरे बोलते अभी कैसे करना, तो वो डरते हैं। अगर पहले से जिनका अगर प्रॉपर प्लानिंग है, टाइम का मैनेजमेंट है, तो उन्हें डरने की कुछ जरूरत नहीं। पिछले कुछ सालों से जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए, हाँ, तो उसके लिए भी बच्चों के दिल में डर होता है, हाँ, तो उन्हें किस तरह से सामने जाना चाहिए? नहीं, कितने भी चेंजेस हो ना, सब्जेक्ट अगर आपने प्रॉपर अगर सब्जेक्ट का प्लानिंग किया, सब्जेक्ट आपने समझ लिया तो क्यों डरना? कहीं कितने भी चेंजेस हो जाए, क्या कहीं आपके कोर्स के बाहर का जो भी सिलेबस दिया होगा उसके बाहर के क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, जो भी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट है उसके जो बुक्स है उसके बाहर का तो कोई आता ही नहीं ना, उस पर आता। अगर कंसेप्ट अगर बच्चों ने प्रॉपरली समझ लिया ईमानदारी से, भैया 6-7 घंटे हमने पढ़ाई करना चाहिए, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फिर एग्जाम आती, फिर रात दिन जगते, और फिर एकदम प्रेशर आता उनके ऊपर, प्रेशर आने के कारण वो डर जाते। तो पहले से अगर कोई भी बच्चे हो, आज जो 10वीं होंगे बाद में 11वीं 12वीं में आएंगे, तो उन्होंने भी ये करना कि पहले से प्लानिंग होना, समय का मैनेजमेंट अगर किया, सब्जेक्ट अगर समझ लिया, तो किसी डरने की बात नहीं, कितने भी बदलाव कितने भी चेंजेस हो सब बराबर होगा। अभी एग्जाम्स के बाद जो बच्चे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कई डिग्रियों के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप उन्हें क्या मार्गदर्शन करोगे कि किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए? हाँ, तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रहती है, जो भी 12वीं के बाद में बच्चे बीएससी में आते हैं, फिर जैसा जेएनयू का एग्जाम है, क्या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के कॉम्पिटिटर रहते हैं, कोई आईआईटी के भी एग्जाम देते हैं, वहां भी एमएससी करने के लिए बच्चे जाते हैं, तो ये भी कोई कोर्स के बाहर का नहीं आता, पहली बात। तो हर सब्जेक्ट जो भी बीएससी का जो कोर्स है, एमएससी में एंट्रेंस होगी तो उसके लिए बीएससी का कोर्स ही कवर किया जाता ना, तो वो प्रॉपर पढ़ाई का अभाव है, मेहनत का अभाव है। पहले के जमाने में जो बच्चे थे एक मेहनत करते थे, आज उतना मेहनत नहीं, यानी रेडीमेड का जमाना है ना, रेडीमेड का, तो क्रिएटिविटी बच्चों की खत्म होने का प्रोसेस अभी के एजुकेशन में ये ना होते हुए जो यूनिवर्सिटीज भी ध्यान दे, अभी सेमेस्टर पैटर्न आ गया, लगातार बच्चे अपने भी वो कोर्स के पीछे रहता, अरे प्रैक्टिकल करना है, अभी प्रैक्टिकल की डेट आ गई, उसके बाद थ्योरी आ गई कंटिन्यूअस, तो उनको बाकी एक्टिविटी करने के लिए समय नहीं मिलता है। और वाइस चांसलर ने भी बोला था कि भाई बाकी का प्रिपरेशन ही बच्चे कैसे करेंगे, क्या एग्जाम ही देते रहेंगे? वो भी बोलते कि अभी सेमेस्टर पैटर्न को तुम अभी ईयरली पैटर्न में कन्वर्ट करो, गवर्नमेंट को भी बोला गया, बच्चे भी सारे परेशान है ना, तो हमारे सिस्टम में इसको बदलाव करना पड़ेगा कि इस बच्चों को सही मैनेजमेंट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सही समय हो, सही तरीके से सब्जेक्ट समझने के लिए हो, बाकी की एक्टिविटीज भी करना चाहिए ना, तो तब ये आगे बढ़ेगा। कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कई दबाव डालते हैं, हाँ, कि इतने परसेंट हमें चाहिए, हाँ, हाँ, तो उसी के प्रेशर के कारण कई बार बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो ऐसे पेरेंट्स को भी आप किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहोगे? अभी पेरेंट चाहते कि मेरा बच्चा नंबर एक ही होना चाहिए, तो नंबर कोई भी स्कूल में कॉलेज में नंबर एक तो एक ही रहेगा ना, सभी तो एक नंबर नहीं आ सकते ना। और जब परसेंटेज का दबाव डालते, अभी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट भी हुए, फेल हुए है ना, अभी हिस्ट्री पढ़ो, फेल हुए। जैसे एडिसन की बात अपन लेंगे, उसको बोलते हैं किंग ऑफ द साइंटिस्ट,
ज्यादा से ज्यादा खोज लगाए। लेकिन जब एडिसन स्कूल में जाता था तो उसके टीचर ने उसके माँ बाप को एक खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी कि आपके बच्चे के दिमाग में बोले भूसा भरा है, इसको कुछ नहीं मेमोरी नहीं बोले, उसके ध्यान में कुछ रहता ही नहीं बोले। लेकिन आखिर में अपन देखते जो सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला इलेक्ट्रिक का बल्ब खोज के निकल 1001 बार प्रयोग किए। तो ये जो है इंटेलिजेंस, तो सब बच्चों में अलग प्रकार के गुण रहते हैं। लेकिन हम चाहते कि हमारा एक चैनल है उसमें डाल दिया कि ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो हर एक बच्चे की कैपेसिटी क्रिएटिविटी अलग अलग प्रकार की रहती। दुनिया में जैसा टेस्ट करते कि भाई ये कौन सा लड़का किधर जा सकता, हमारे देश में सिस्टम नहीं, हमारे पास एक ही ढांचा है, डाल दिया भाई बचा तो बचा, नहीं तो डूब गया तो डूब गया। तो ये जो सिस्टम का भी थोड़ा दोष है एजुकेशन में, और माँ बाप ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए। इतनी सारी अपेक्षा, बच्चा अपने कैपेबिलिटीज करता ही है आगे, नहीं ऐसा नहीं कि बारहवीं में वो इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन लोग इंजीनियर या डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, अरे बहुत सारे हजारों रास्ते खुले हैं। डिग्री में आके वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT में जा सकते हैं। अभी BSc हमारे यहाँ बारहवीं में अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, वो हमारे बच्चे ऐसे ऐसे BSc किए बायोटेक्नोलॉजी, वो माइक्रोबायोलॉजी में IIT का एंट्रेंस दिया, IIT हुए, अभी साइंटिस्ट है। अभी गए साल हमारे यहाँ की लड़की IIT चेन्नई में PhD कर रही, एक लड़की हैदराबाद में गई इंटीग्रेटेड कोर्स में MSc और PhD के लिए, एक लड़की IIT बॉम्बे से किया MSc बायोटेक्नोलॉजी और वो अपने सिंगापुर में PhD कर रहे। तो बहुत सारे रास्ते हैं ना, लेकिन हमारे माँ बाप का कहना नहीं 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 बस ये प्रोफेशनली कोर्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और बच्चों को ऐसा दबाव न डालते हुए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है भैया तेरे से जो जमता वो अपन करेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो, अनेक प्रकार के रास्ते खुले। लेकिन हम पूरे बच्चों के ऊपर दबाव डालते कि नहीं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए, और फिर फ्रस्ट्रेशन के कारण फिर लोग कोई बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं रिजल्ट लगने के बाद, अपन देखते ये दबाव रहता। और फिर अगर आजकल तो ज्यादा बच्चे नहीं, पहले बहुत ज्यादा बच्चे रहते थे ना, एक दो गए तो कुछ नहीं, लेकिन अभी एक ही बच्चा रहता या दो ही बच्चे रहते तो माँ बाप वो भी प्रे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में दबाव न डाले, उसको मदद करे बच्चों को कि नहीं भाई ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। लेकिन हम टारगेट देते कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, इसके कारण ये दबाव बढ़ते जा रहा है। विफलता के बाद कई बार बच्चे गुमराह हो जाते हैं, ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे जो हो सकता है कि कोई बच्चा फेल हो जाए, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से मार्गदर्शन करते हो कि ये आप तो इस बार फेल हो गए लेकिन आगे चल के कोई आपके ये लास्ट एग्जाम नहीं थी, तो इन ऐसे बच्चों को आप किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहोगे? इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने भी बोला था कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, लेकिन अगर हो गया फेल हो गया तो फिर क्या जीवन का अंत कर लेना चाहिए? लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अरे भाई वही नहीं है टारगेट, बहुत और पढ़ाई करेंगे। कोई बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेते फिर से पढ़ाई करते, फिर से कोचिंग क्लासेस तो जाते, फिर पढ़ाई करते, फिर आगे बढ़ते हैं ना, ऐसा थोड़ी। तो फेल हुआ तो अगले बार बैठेंगे, अगले बार बैठ के और पास होंगे। तो ये अगर हमारा व्यूज रखना, सोचने का जो तरीका है बदलना पड़ेगा ना, है कि नहीं? कभी कुछ कारण हो, किसी की तबीयत खराब हो जाती, बहुत अपन ने पढ़ाई किया समय पर याद नहीं आया, अनेक अनगिनत समस्याएं रहती है बच्चों में। लेकिन उसको माँ बाप ने भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं, नहीं तो फिर बच्चे फिर दबाव में आकर कुछ भी कर लेते, गलत लाइन पे जाते, ऐसा ना हो। एग्जाम के लिए आपका लास्ट कमेंट बच्चों के लिए क्या होने वाला है? एग्जाम के लिए बच्चों के लिए आपका लास्ट कमेंट क्या है, विशेष क्या करना चाहते? विशेष कुछ नहीं, मैनेजमेंट करना चाहिए प्रॉपर। अभी बीच में कोई पेपर, दो पेपर के बीच में गैप रहती है, अगर कहीं पेपर में कम गैप है उसकी पढ़ाई उन्होंने पहले कर लेना चाहिए। और जो अब 3-4 दिन का भी समय रहता, 2-2 दिन का भी रहता, तो उसमें मेन पॉइंट्स अगर उन्होंने निकाले हैं, यानी पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसी कुछ डायरी करके रखे कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है, वो अगर बच्चों ने अगर मेमोराइज कर दिया तो फिर वो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, और हो सकता है कठिन कुछ भी नहीं। लेकिन सब्जेक्ट समझना जरूरी है, अगर समझ में माइंड में अगर फिक्स है तो पॉइंट्स भी आखिरी में देखे आप 1-2 दिन में, तो आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, कोई नहीं उसमें।